ये क्या है कि इसी साल सारे पुल टूट रहे हैं? पहले पुल क्यों नहीं टूटे थे? कहाँ लैकेज हुआ है, कहाँ कमी हुई है जिसके चलते पुल टूट रहे हैं? एक पुल नहीं, सीरीज ऑफ द पुल टूट रहे हैं। जुमला है हम लोग यहाँ की, चोर मचावे शोर। ममता दीदी जो सड़क पर उतर रही है, किसके खिलाफ उतर रही है? हर को अधिकार है चुनाव लड़ने का, और प्रसाद किशोर भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो अच्छी बात है वो लड़ें करें। इसमें रोक कहाँ है भाई? इसमें तो जनतंत्र है, जमहूरियत है, चुनाव लड़ने का सबको स्वतंत्रता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है और प्रशांत किशोर का भी कहना है कि 2 अक्टूबर के बाद चुनाव होता है, तो उनका भी जो दल है वो चुनाव लड़ेगा। इमामगंज और बेलागंज को लेकर उन्होंने बात कही है। देखिए, अब सीधा सवाल जीतन राम मांझी से पूछा गया है। जीतन राम मांझी को क्या टेंशन हो रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी मैदान में उतर गए? देखिए, कई सवाल जीतन राम मांझी से पूछा गया है। किस तरीके से जीतन राम मांझी तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। रिएक्शन मेरा यही है, एक जुमला है हम लोग यहाँ की, चोर मचावे शोर। ममता दीदी जो सड़क पर उतर रही है, किसके खिलाफ उतर रही है? उन्हीं के कार्यकर्ता लोग ने ही ऐसी घटना का अंजाम दिया है जैसा हमको पता है। उनको घटना घटाने वाले लोगों को चिन्हित कर करके सीवियर कार्रवाई करना चाहिए, ऐसी कार्रवाई करना चाहिए कि फिर कोई दूसरा नाम न ले। और उल्टे अब वो सड़क पर उतर करके वो क्या कहना चाहते हैं, जिस प्रकार की घटना घटी हो शर्मनाक है। देश में हम समझते हैं इस प्रकार की अप्रिय घटना बहुत कम होती है। बिहार के भागलपुर में अगवानी पुल 2 साल में तीसरी बार गिर गया है, सरकार पर और विभाग पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हम जरूर कहेंगे कि उसकी जांच होनी चाहिए, कहां लैकेज हुआ है, कहां कमी हुई है जिसके चलते पुल टूट रहे हैं। एक पुल नहीं, सीरीज ऑफ द पुल टूट रहे हैं, तो जरूर लगता है कहीं ना कहीं बनावट में कमजोरी होगी। इसका जाँच होना चाहिए और जो इसके लिए जवाबदेह हैं उसको दंडित करना चाहिए। और फिर इसमें हम एक बार और बोले हैं कि ये क्या है कि इसी साल सारे पुल टूट रहे हैं? पहले पुल क्यों नहीं टूटे थे? तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है जिसके चलते सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की बातें हो रही है। अब नुकसान होगा या फायदा होगा, ये हम कहने वाले कौन हैं? हर को अधिकार है चुनाव लड़ने का, और प्रशांत किशोर भी लड़ रहे हैं चुनाव, तो अच्छी बात है वो लड़ें। इसमें कहाँ कोई दो मत है, किसी को रोक है जमहूरियत में। लेकिन यहाँ जैसे दर्जनों पार्टियाँ लड़ती हैं, वैसे एक पार्टी वो भी लड़ेंगे। जनता जिसके पक्ष में अपना मतदान करेगी वो बिहार का या देश का शासन करेगा। विधानसभा उन्होंने ऐलान किया है कि अगर विधानसभा का चुनाव 2 अक्टूबर के बाद होता है तो हमारी पार्टी वहाँ 2 कैंडिडेट देगी, बेलागंज और इमामगंज की बात की है। करें तो इसमें रोक कहाँ है भाई? इसमें तो जनतंत्र है, जमहूरियत है, चुनाव लड़ने का सबको स्वतंत्रता है, और अगर वो लड़ना चाहें तो लड़ें, इसमें कहाँ कोई दोमत है। लेकिन गया जिला का दोनों कंस्टिट्यूंसी है, इमामगंज मेरी कंस्टिट्यूंसी है, हमारे पार्टी के लोग वहाँ से हटे हैं, मतलब कि हमने वहाँ से त्याग पत्र दिया है। बेला में राजद के लोग त्याग दिए हैं। तो रही बात की हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, कि जहाँ NDA के दोनों सीट प्राप्त हो जाए, और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई दूसरा सोचते हैं कौन पार्टी से आते हैं, ये तो अब नेताओं पर निर्भर करता है कि कौन किसको लोग देता है सीट, और जिसको जो सीट देगा अगर NDA से लड़ेंगे तो भी हम देखेंगे कि क्यों मिला उनको सीट और क्यों लड़ने जा रहे हैं। और अगर दूसरे पार्टी से लड़ेंगे तो हम लोग तो ज़रूर विरोध करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि NDA का सीट इमामगंज रहा है और महागठबंधन का सीट बेला रहा है। आज के परिस्थिति में जो नीतीश कुमार यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, जिसका असर समाज में दिख रहा है, तो वैसी परिस्थिति में दोनों सीट NDA को मिले, ये मेरा प्रयास होगा। ये बात सही है, लेकिन कई एक वर्षों से हम लोग दशरथ मांझी जी की पुण्यतिथि भी मना रहे हैं, उनकी जन्मतिथि भी मनाते हैं, और खुशी की बात है। इसके लिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री से नीतीश कुमार जी को भी श्रेय देता हूँ कि उन्होंने
इस समारोह को राजकीय समारोह के रूप में मनाने के लिए निर्देश दिए हैं। अब विगत 8-10 वर्षों से मनाया ही जा रहा है। आज भी गहलोर घाटी में हम लोग जा रहे हैं, वहाँ राजकीय समारोह मनाया जाएगा। उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे या हम करेंगे, और वहाँ पर जितने सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होंगे, हजारों हजार लोग वहाँ पर जुटेंगे। और यहाँ अपने घर पर, क्योंकि हम लोग उनका बाबा दशरथ को प्रकट पुरुष को अपना एक आराध्य मानते हैं, श्रम में वह जायते का नारा होता है, तो इसका ये साक्षात उदाहरण है। 22 वर्ष 4 महीना छेनी हथौड़ी से लगातार प्रयास करके एक पहाड़ को काट दिया, इसलिए कि कुछ लोगों को वजीगंज जाने में 25 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती थी, उसको उन्होंने मात्र 6 किलोमीटर में बदल दिया। और भी बहुत लोगों को अस्पताल जाने में ये होता था, तो इतना बड़ा काम उन्होंने किया, हम समझते हैं कि उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। हम लोग अपने तरफ से सम्मान के लिए उनको जन्मतिथि पुण्यतिथि मनाते हैं, आज पुण्यतिथि है, लेकिन हम लोगों की मांग अनवरत इधर चल रही है। और इसके लिए हमारे कुछ उत्साही युवकों ने पैदल मार्च किया, दिल्ली तक के जाने का काम किया, और वहाँ राष्ट्रपति महोदय से भी हम लोग मिले, साथ में हम तो रिलेशन मांग किया कि बाबा दशरथ को भारत रत्न की उपाधि दी जाए, क्योंकि ये कोई मामूली काम नहीं है। समझते संसार में ऐसा काम करने वाला कोई नहीं होगा जैसा काम इन्होंने किया, कठिन परिश्रम करके, हर गुरुवत को सह करके। ये नहीं कि बहुत अमीर आदमी थे, बहुत सक्षम आदमी थे, वो कमाई करके के भीख मांग करके भूखे रह करके भी ऐसा काम किया, तो इसमें हम लोगों को इससे उत्साह मिलता है। और हम ये कह सकते हैं कि हमारा समाज जो भुइयां मुचर समाज है, उसमें एक से एक वीर पैदा हुए हैं, तो उसमें हमारे दशरथ मांझी भी एक प्रमुख वीरों में हैं। एक दूसरे लौंगी मांझी भी हैं, उन्होंने भी 7 किलोमीटर अने नहर का नहर बनाया, कैनाल मैन की बात की जाती है। तो कहने का मतलब है कि श्रम का एक देना चाहिए महत्व, जो अभी नहीं मिल रहा है, इसकी मांग हम लोग सदा करते रहे हैं। आज हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा जहाँ भी रहे शांत रहे और शांति में जिए, और हम लोग को प्रेरणा मिले कि जो उन्होंने काम किया, उन्होंने कहा था कि जब तक काटेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो यही चीज़ होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए। हम लोगों को लेसन मिलता है कि अगर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के एक इरादा के साथ अगर काम करेंगे तो सफलता निश्चित होती है। इसलिए पुनः पुनः आज हम लोगों ने उनके पुण्यतिथि पर माला। तो अभी आप जीतन राम मांझी को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना, किस तरीके से जीतन राम मांझी प्रशांत किशोर को लेकर बयान दे रहे। उतना ही नहीं, बिहार में कई पुल हैं वो भी गिरे हैं, इसको लेकर भी जीतन राम मांझी से सवाल किया गया था, पर किस तरीके से जवाब दे रहे हैं वो भी हमने आपको सुनवाया है। दशरथ मांझी का आज पुण्यतिथि था, हम पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कार्यक्रम रखा गया था, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी उपस्थित थे, तमाम चीज़ों को हमने आपको दिखवाया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।